हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। दोस्तों, मैं आज आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आप अंग्रेजी ज़रूर बोलोगे, हम सब मिलकर अंग्रेजी लिखेंगे और हमें सबको अच्छी नौकरियां मिलेगी। एक दिन इस दुनिया से कोरोना चला जाएगा, हम सब स्वस्थ होंगे, दुनिया बहुत खुशहाल होगी। तो दोस्तों, फ्यूचर वाले वाक्यों को बनाने के लिए हम एक टेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज से हम चालू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहला टेंस ले रहे हैं, दैट इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टेन। दोस्तों, जब फ्यूचर का कोई ऐसा वाक्य हम बोलेंगे जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर शैल कहाँ गया। दोस्तों, पहले फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती थी, फ्यूचर में हम लोग विल और शैल दोनों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि विल को शैल को हटा दिया गया? तो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में आज के समय में शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्पेशली टेंसेस में सिर्फ विल का इस्तेमाल ही किया जाता है। पहले नियम ये था कि आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आज हम सबके साथ क्या लगाते हैं, सबके साथ विल लगाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि शैल चूंकि एक पॉसिबिलिटी को शो करता है। आपको पता है विल और शैल टेंस में तो इस्तेमाल होते हैं, साथ में ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, साथ में ये क्या है, मॉडल्स में भी काउंट किए जाते हैं। दोस्तों, शैल क्या करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, सजेशन को शो करता है। जैसे क्या अब हम चलें, शैल वी गो नाउ, शैल वी मूव नाउ, तो शैल क्या करता है, संभावना को दिखाता है। और जब हम फ्यूचर में बात कर रहे हो तो हम वो काम पक्का करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, या मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, तो अगर मैं शैल के हिसाब से बनाऊंगा तो आई के साथ शैल लगाऊंगा, आई शैल गिव यू मनी टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तुम्हारे पैसे कल देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शैल का मीनिंग जो निकलता है वो चाहिए के आसपास निकलता है। तो सामने वाला मुझे बोलेगा कि तू देगा या देना चाहिए, क्या करा, देगा कि नहीं देगा? तो मैंने कहा भैया पक्का दे दूंगा, तो फिर पक्का बोलना, तो पक्का कैसे बोलूं? तो उसने कहा कि यू विल पे मी टुमारो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आई विल गिव यू मनी टुमारो। तो क्या होता है, आई के साथ धीरे धीरे विल का इस्तेमाल होने लगा। वो इसलिए क्योंकि विल जो है ना, वो फ्यूचर में सर्टेनिटी को शो करता है, फ्यूचर में किसी काम के होने की गारंटी देता है, जबकि शैल नहीं देता है। इसलिए लोग ग्रेजुअली शैल को रिमूव करते गए, क्योंकि ये सजेशन और पॉसिबिलिटी को बताता है, और पॉसिबिलिटी हर वक्त काम में नहीं आती फ्यूचर में, तो इसीलिए शैल को रिमूव कर दिया गया। और आजकल फ्यूचर टेंस में स्पेशली विल का इस्तेमाल होता है। आप शैल कहाँ गया, तो दोस्तों शैल का इस्तेमाल आजकल मॉडल्स में होता है। जब आप मॉडल्स के बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं, वहाँ पर शैल का इस्तेमाल सुझाव देने के लिए होता है, इच्छा बताने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर देखिए कि हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो इंडेफिनिट की पहचान क्या है। तो पहली बात तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया, एक्शन दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस, मतलब कोई भी ऐसा काम जो अभी तक हुआ नहीं है, मतलब वो फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, सिर्फ होगा, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं इंदौर जाऊंगा, मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, हम सब अंग्रेजी बोलेंगे, तो अभी बोल नहीं रहे हैं, हम बोलेंगे, फ्यूचर टेंस है। तो कोई भी ऐसी क्रिया जो फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और एक और इसका इस्तेमाल होता है कि हम फ्यूचर में जब कोई फ्यूचर इवेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी फ्यूचर इवेंट की क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो भी क्या होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सचिन आज क्रिकेट खेलेगा, आई एम गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सचिन। ठीक है, आज मूवी, ये वाली मूवी लगेगी, तो इस तरीके से। तो दो प्रकार की कैटेगरी के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी नंबर वन कि कोई काम जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसकी जानकारी देना। उसके अलावा कैटेगरी नंबर टू कि फ्यूचर में किसी घटना की सिंपली इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है इंडेफिनिट की, तो पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा आ जाना, गे आ जाना,
ठीक है, घी आ जाना। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, मैं पढ़ाई करूंगा, हम नाचेंगे, वह मुझे मिलेगा, तो कोई गा घी आ जाए ना, ऐसे वाले शब्द, जब ऐसे वाले लेटर्स आते हैं, शब्द आते हैं लास्ट में, तब हम उस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट मानते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है विल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंडेफिनिट का कोई सा भी टेंस हो, आपको सभी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस देखते हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मैं कल इंदौर जाऊंगा, कैसे बनाएंगे? पहले सेंटेंस को पहचानो, इस सिंपली फ्यूचर में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट में गा आ रहा है, इसलिए इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट तो विल लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई विल गो टू इंदौर। आई विल गो टू इंदौर, कब जाऊंगा? कल, आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमोरो। जबकि जो कल बीता हुआ होता है उसे बोलते हैं बीत गया कल, यस्टरडे। तो आई विल गो टू इंदौर टुमारो, हम अंग्रेजी बोलेंगे, इस सेंटेंस को कैसा बनाएंगे दोस्तों? हम अंग्रेजी बोलेंगे, वी विल स्पीक। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वी है, फिर हमने विल लगाया, स्पीक, वी विल स्पीक इंग्लिश। इसमें कई बार फ्यूचर की डेट भी आती, तारीख भी आती भविष्य की। जैसे मैंने कहा कि मैं 2022 में कार खरीदूंगा, या वह सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वह 2022 में कार खरीदेगा। अब यहां पर देखो, ये जो 2022 है ये फ्यूचर है, अभी आया नहीं है, तो ही विल खरीदने के लिए मैंने कहा था खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदेगा तो बाय आएगा, अगर उसको बेचना है तो परचेस आएगा, तो ही विल बाय अ कार इन 2022 या 2022, तो ही विल बाय अ कार इन 2022। दोस्तों इस तरीके से यू कैन सी कि हमने यहाँ पर आई और वी के साथ भी क्या लगाया, विल लगाया, और हमने ही के साथ भी क्या है, विल लगाया। मीन्स वट एवर द सब्जेक्ट इज कमिंग, वेदर द सब्जेक्ट इज ही शी इट और आई विद यू और एनी नेम, वी हैव टू यूज विल विद देम सो दैट वी कैन मेक द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर। नाउ लेट अस प्रैक्टिस ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनेट। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें मिलूंगा, आई विल मीट यू, मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं मोबाइल खरीदूंगा, आई विल परचेस मोबाइल, मैं किताबें खरीदूंगा, आई विल बाय बुक्स, परचेस जगह बाय आना चाहिए, हम साथ में नाचेंगे, वी विल डांस टुगेदर, मैं पता है मैं क्या करूँगा, मैं अंग्रेजी में पत्र लिखूँगा, आई विल राइट लेटर इंग्लिश, वह मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी टुमारो। सिंपल सेंटेंसेस अनकाउंटेबल है, जितनी वर्ब आपको याद हो गए ना दोस्तों, उतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बातों ही बातों में हम बोलते हैं तुम इंदौर कब जाओगे? When will you go to इंदौर? मैं कल जाऊँगा, I will go to इंदौर tomorrow। तो सिंपल, तुम अंग्रेजी कब सीखोगे? When will you learn English? सीख लेंगे यार, I will learn soon, मैं जल्दी सीखूंगा, इस तरीके से। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछते है ना, आपको इसमें क्वेश्चन पूछते और आंसर देते आना चाहिए। तो अभी हमने सिंपल सेंटेंस समझा, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। चलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस साइड में लिख रहा हूँ सो दैट वी कैन सी द प्रॉपरली। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर लिखेंगे विल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लेट मी फील द इंक। अब यहाँ पर देखिए, इंटरोगेटिव वाक्य आपको बनाना है,
तो आप क्या करेंगे, विल को आगे ले आएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको विल को आगे लाना है प्लस सब्जेक्ट पीछे प्लस नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, बना दीजिए, कोई इशू नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड कोई सा भी रख दीजिए। हमने लिख दिया वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो वेयर प्लस सब्जेक्ट, वेयर प्लस सब्जेक्ट, नो सर सब्जेक्ट नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है, तो यहाँ पे विल आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी यूज्ड। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा, वह अंग्रेजी बोलेगा, वह अंग्रेजी सीखेगा, एक सेंटेंस कोई सा भी ले लो, या तुम अंग्रेजी सीखोगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे, है ना, सेंटेंस क्या है, तुम अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। तुम सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया यहाँ पर यू, उसके बाद क्या लगा देंगे सबके साथ, विल, तो यू विल, बोलने को स्पीक बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की नीड है, हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगाया, यू विल स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोलोगे, इंडिया है ये, ठीक है, सेंटेंस बनाओ, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव बना दिया। अब एक बात आपको समझनी है दोस्तों, ये जो विल नॉट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट, ये दोनों को, विल नॉट को वॉन्ट भी लिखा जा सकता है, ये वांट नहीं है, ध्यान रखना ये ओ है, वॉन्ट, तो विल नॉट को यू वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, समझ में आया आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप जो है विल नॉट को क्या लिख सकते हो, वॉन्ट भी लिख सकते हो, डब्ल्यू ओ एन टी, वॉन्ट, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, विल नॉट को क्या लिख सकते हो, वॉन्ट लिख सकते हो, शॉर्ट में, विलंट नहीं करना है, विलंट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, विलंट नहीं करना है, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कहाँ बोलोगे, कहाँ तुम अंग्रेजी कहाँ बोलोगे, वेयर लिखा है, तो वेयर लगा दो, वेयर विल यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, वेयर विल यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इसमें इंक फिल कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम उसको समझाता हूँ, आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक सेंटेंस कोई सा भी आपको लेना है, आपने सेंटेंस लिया जैसे हम नाचेंगे तो वी विल डांस, शादी में नाचेंगे तो वी विल डांस इन द मैरिज, ठीक है, हम शादी में नहीं नाचेंगे, वी विल नॉट डांस इन द मैरिज, विल नॉट को क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट, क्या हम शादी में नाचेंगे, विल वी डांस इन द मैरिज, क्या हम शादी में नहीं नाचेंगे, विल वी नॉट डांस इन द मैरिज, हम शादी में कब नाचेंगे, वैन, वैन लगा दो यहाँ पे, वैन विल वी डांस इन द मैरिज, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक और सेंटेंस लेना है, वे हम पर आक्रमण करेंगे, वे हम पर आक्रमण करेंगे, दे विल अटैक ऑन अस, या दे विल अटैक अस, हम ऑन भी लगा सकते, डायरेक्टली भी बोल सकते, दे विल अटैक ऑन अस, दे विल नॉट अटैक ऑन अस, विल दे अटैक ऑन अस, विल दे नॉट अटैक ऑन अस, इस तरीके से, ठीक है। आप लीजिए, मैं अगले साल नया मोबाइल खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, अगले साल नया मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, आई विल नॉट बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, विल आई बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, विल आई नॉट बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, व्हेन विल आई, व्हाई विल आई बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, हाउ विल आई बाय न्यू मोबाइल नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, पहले अपनी कॉपी पर लिखना है, उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, पहले क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, उसके आंसर्स कैसे दे सकते हैं, चलिए तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ,
देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, किसी तुमको पूछा कि तुम कपड़े कब धोओगे, है ना, तुम कपड़े कब धोओगे, है ना, तुम कपड़े कब धोगे। अब पहले हमें इसको क्वेश्चन पूछने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जब भी अगर कोई क्वेश्चन होना तब सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है। पर यहाँ पर देखिए, चूंकि ये डब्ल्यूएच वाला वर्ड से कब आ गया, तो सबसे पहले इसको आगे लिखेंगे, कब को बोलेंगे व्हेन, क्या बोलेंगे व्हेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया व्हेन। अब आप सबको पता है कि जब भी कोई डब्ल्यूएच वर्ड, चाहे वाई हो, व्हेन हो, व्हाट हो, अगर आगे आ जाए तो आपको उसके बाद का सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है। तो व्हेन विल यू, व्हेन विल यू वॉश क्लोथ्स। अब आंसर इसका दो हो सकता है, कि मैं 4 बजे कपड़े धोऊंगी, है ना, सेंटेंस क्या है, मैं 4 बजे कपड़े धोऊंगी, मैं 4 बजे कपड़े धोऊंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आंसर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई, सिंपल सेंटेंस है, आई विल वॉश क्लोथ्स एट 4 o'clock, या उसने आंसर ऐसा दिया, अच्छा टाइम के पहले 4 लगा, 8 लगा, तो ध्यान रखना है, या तो आंसर ऐसा दिया, मैं आज कपड़े नहीं धोऊंगी, कैसे बनाएंगे, आई, अब देखो यहां पर विल नॉट को हम क्या लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे, आई वॉन्ट वॉश क्लोथ्स, और समय को हम लिखेंगे लास्ट में। जब भी टुडे, टुमारो, मंडे, संडे, अप्रैल आ जाए, तो इसके दो तरीके होते हैं दोस्तों, या तो आपने टाइम को पीछे लिख दिया, आप इस टाइम को आगे लिख सकते हो, कि टुडे आई विल वॉश क्लोथ्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब आपने टाइम को आगे लिखा, तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने टाइम को आगे लिखा, कॉमा लगाया, पीछे लिखा तो ये लिखा। तो ये देखिए, हमने किस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर्स हमने दे दिए। अब आंसर्स बहुत प्रकार के होते हैं, हम चलो प्रैक्टिस कर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि पार्टी कब दोगे भैया, तुम पार्टी कब दोगे, व्हेन विल यू गिव पार्टी। अरे यार मैं पार्टी नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, आई विल नॉट गिव यू पार्टी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने आपको हैज़ पढ़ा दिया है दोस्तों, सेंटेंस ऐसे ही तो जुड़ते हैं। आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, तो बोलना कैसे है, अगर हमें लिखते आता है, अगर हमें सारे पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, जैसे क्या है, तुम पार्टी कब दोगे, ये सेंटेंस है आपका। अब सामने वाला बंदा बोल रहा है, मैं पार्टी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या नहीं है, पैसे, यही लिखते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। सी गाइस, सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3 प्रकार के सेंटेंस है, एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, और ये हैज़ेव वाला है। जब हमारे पास कोई वस्तु होती है या नहीं होती, उसके लिए हम लोग हैज़ेव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, तुम पार्टी कब दोगे, तो कब के लिए हमने आगे लगा दिया व्हेन, उसके बाद विल लगा दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल आगे आता है, व्हेन विल यू गिव पार्टी, When will you give party? ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब आपने क्वेश्चन पूछा, मान लो आपको आंसर देना हो, तो आप क्या करोगे, तो इसको हम बनाएंगे, मैं पार्टी नहीं दूंगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का, तो आई वॉन्ट, या आप चाहो तो विल नॉट भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने वॉन्ट बोल दिया, सामने वाले को समझ में ही नहीं आया, इसलिए बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो आप चाहो तो विल नॉट ही बोलो, आई विल नॉट गिव यू पार्टी, आई वॉन्ट गिव पार्टी, क्योंकि, क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। अब मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का है ना टू हैव है, तो मेरे पास पैसे नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। तो देखिए आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना, किसी को भी क्वेश्चन पूछते हो, उसका जब आंसर बड़ा होता है तो उसमें वो जरूरी नहीं कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी में आंसर दे, हो सकता है कि उसका आंसर वो मिक्सअप करके दे। ठीक है, तुम किराया कब दोगे, वेन विल यू पे रेंट, वेन विल यू पे रेंट, तो आपने कहा कि अरे यार मैं रेंट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो बहुत दिक्कतें चल रही है, तो आप उस साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोल रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल रहे हैं। तो जब आपको लॉजिक समझ में आता है, ठीक है, जब आपको लॉजिक समझ में आता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो किस किस प्रकार के टेंसेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो जब उनको पकड़ने लगते हैं टेंसेस को या वाक्यों को पकड़ने लगते हैं ना, तब आपके कंसेप्ट और अच्छे होते जाते हैं। दोस्तों रीडिंग ज़रूर करना है, आपको क्या करना है कि जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो, आप दिन में जब भी आपको अंग्रेजी का एक पेज पढ़ने को मिले, चाहे किसी बुक में से, पेपर हो तो पेपर, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से पढ़े, अदरवाइज आप बुक से पढ़े। ठीक है, किससे पढ़े, बुक से, बुक कोई सी बुक उठा लो अपने घर में होगी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की, उसका एक चैप्टर सिर्फ रीड करना है, समझने की कोशिश करना है क्या लिखा है, दो चार दिन तक आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो रीड करना है। दूसरा आपको सुनना है, व्हेनेवर यू आर फ्री, आपने जब लेक्चर सुन लिया है आधे एक घंटे के लिए अंग्रेजी सुने, सुनने के लिए बहुत सारे चैनल है, एक चैनल है, एक चैनल का नाम है यूट्यूब पर इंग्लिश स्पीचेस, क्या नाम है, इंग्लिश स्पीचेस, उसको सर्च करिए, उसमें सारे सब टाइटल के साथ स्पीचेस आती, बस कान लगा के सुनना है, प्रोनंसिएशन पर काम करना है कि कौन व्यक्ति किस वर्ड को कैसे बोल रहा है, हमें अपने प्रोनंसिएशन पर काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना है। ठीक है, तो लिसनिंग और रीडिंग दोनों आपको साथ में करनी है, पढ़ाई आप यहाँ कर ही रहे हैं, जिस दिन आपको बोलने का मौका मिले टूटी फूटी अंग्रेजी ही सही लेकिन बोलने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले टेंस में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।